बस एक बार के पीने से आपकी पेट की पथरी पानी की तरह पिघलकर बाहर निकल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जिन व्यक्तियों के पेट में पथरी होते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा दर्द होते हैं दोस्तों, वो सही ढंग से खाना भी नहीं खा पाते हैं। दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पेट में पथरी होते हैं तो वो ऑपरेशन करवा लेना ही उचित समझते हैं, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे घरेलू नुस्खा लेके आया हूँ जो कि अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने पेट की पथरी, किडनी की पथरी को बहुत ही आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के साथ। दोस्तों साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं कि कौन से है वो घरेलू औषधि। दोस्तों पथरी को ख़त्म करने के लिए आप यहाँ पर इस्तेमाल करें वो है पत्थरचट्टा का पौधा। दोस्तों ये पत्थरचट्टा का पौधा आपको कहीं पर भी बहुत ही आसानी से मिल जाता है। दोस्तों देखने में ये हरे रंग का होता है, आपको इसके लिए करने क्या है कि आप पत्थरचट्टे के पौधे के 5 से 6 पत्तियाँ तोड़ कर लेकर आएँ और उसे पीस कर पेस्ट बना लें। जब आप इसे पीस कर पेस्ट बना लेंगे तब आपको क्या करने हैं कि इसमें मिलाने हैं 1 चम्मच की मात्रा में शहद। दोस्तों जब आपका पेस्ट तैयार हो जाए तो उसमें शहद मिलाकर बहुत ही अच्छी तरह से उसे मिक्स कर लें और उसके बाद से आपको सुबह खाली पेट इसे पी जाना है। दोस्तों आप सुबह खाली पेट और शाम को खाना खाने से 1 घंटे पहले अगर आप इस पेस्ट को पी जाते हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी पथरी भी टूट बाहर निकल जाएगा। दोस्तों किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होगा, आपको कहीं पर भी ऑपरेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आपका पैसा बचेगा और आपका समय भी बचेगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे बताए अनुसार इसे इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी पथरी को बहुत ही आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी जानकारी यहीं तक। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आए बेल घंटे को ज़रूर दबा दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।